अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरो का अड्डा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लेन टोमेटो सूप की रेसिपी, जो कि हल्की फुल्की जो शाम की भूख होती है उसको मिटाने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो ये 2 सर्विंग्स के लिए मैं आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। एकदम लाल 4 टमाटर ले लीजिएगा, मीडियम साइज के लीजिएगा, एक साइज का है, और 2 सैशे मक्खन के छोटे वाले जो मिलते हैं वो ले लीजिएगा। एक मीडियम साइज का प्याज ऐसे स्लाइस कर लीजिएगा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 2 टेबल स्पून केचप ले लीजिएगा जो कि मस्ट है, और 1 टेबल स्पून शक्कर ले लीजिएगा, और एरोरूट पाउडर या तो कॉर्नफ्लावर है तो वो ले लीजिएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टमाटोज जो हैं उसको काट लेते हैं। तो खूब बारीक बारीक आपको टमाटर अपने काटने हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको अब हम साइड में कर देते हैं। अब हम एक यूटेंसिल ले लेते हैं जिसमें हम अपना बटर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके पास बटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 टीस्पून आप बटर ट्रांसफ़र करें इसमें यूटेंसिल में, इस वजह से क्योंकि 1 सैशे में 1 टीस्पून के अप्रॉक्स बटर होता है। तो 2 टीस्पून आपने बटर ऐड कर दिया है। याद रहे कि आपके गैस की फ्लेम को बहुत ही डिम रहना है, बहुत ही लो रहना है, नहीं तो बटर एकदम उड़ जाएगा आपका। तो धीमी आंच पे ही आपको इसमें अदरक लहसुन को भून लेना है और खूब अच्छे से भूनना है। इसकी रॉ स्मेल जितनी भी है वो निकल जाएगी और एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी एक स्मेल निकलने लगेगी। उस टाइम पर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा प्याज। प्याज मस्ट है, डालिएगा ज़रूर, इससे एक बहुत ही अच्छी सी मिठास आती है टोमेटो सूप में, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ये। तो प्याज जैसे ही ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें अपने टमाटोज ऐड कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा प्याज हो जाना चाहिए, और इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटोज। बस सारे टमाटर ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसे सॉटे करते रहिएगा, ये कुछ इस तरीके से स्मूथ होने लगेगा। साथ ही साथ आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि बटर भी हमने जो लिया है वो सॉल्टेड था, तो बस इसमें 1/4 टीस्पून ही नमक जाएगा, और इसे सॉटे करते रहिए आप। तो 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे सॉटे करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। तो बस इस टाइम पे आपको ऐड करना है अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर और केचप। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे, और ये देखिए कुछ अच्छा सा स्मूथ सा ऐसा टेक्सचर मिलेगा हमें। बस इस टाइम पे हमारा ये सब पूरा पक चुका है, बस अब हमें इसमें पानी डालना है। तो ये 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी देने के बाद एक स्टर दे दीजिएगा, और उसके बाद इसे ढक के 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे पका लीजिएगा। ये देखिए हर चीज़ तो अच्छे से स्मूथ हो ही गई थी, बस जो थोड़ी बहुत गलनी थी वो भी गल गई है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास चम्मच हो तो उससे थोड़ा थोड़ा दबा दीजिएगा, या मैशर से भी आप दबा सकते हैं। तो जिसमें हम जब स्ट्रेन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वान्टिटी अपनी मिल जाए। तो बस ये देखिए हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं, और खूब अच्छे से दबा दबा के स्ट्रेन करिएगा। और एक तरफ आपको अपना एरोरूट का मिक्सचर बना लेना है। तो ये 2 टीस्पून मैंने एरोरूट पाउडर लिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी स्लरी तैयार कर लूँगी। तो स्लरी हमारी तैयार हो गई, और ये सब वेस्ट भी हमारा निकल गया है टमाटर का, और इसको हमको एक बार और बॉईल कर लेना है। तो चलिए रख देते हैं बॉईल करने के लिए। तो जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा वैसे ही हम इसमें धीमे धीमे करके स्लरी डालते जाएंगे, और स्लरी ऐड करते करते हम इसे चलाते जाएंगे। जितना भी आपको गाढ़ा पसंद हो आप उतनी स्लरी इसमें ऐड कर सकते हो।
तो टेक्सचर आप देखते रहिएगा ऐसे चम्मच हिला हिला के कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए, और अपने हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर या एरोरूट की जो स्लरी है वो आप ऐड करते जाइएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्लरी ऐड करोगे तो आपका सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जो टमाटो का फ्लेवर है वो लाइट हो जाएगा और जो एरोरूट का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मुंह में फील होगा। इसलिए बस एक हल्का सा गाढ़ापन देने के लिए मैं एरोरूट यूज़ करती हूँ, नहीं तो बहुत ही हेल्दी सूप पीना है तो आप ये एरोरूट ऐड ही मत करो, सिंपल सा सूप बनाओ और ऐसे ही पियो। तो ये सिंपल सी हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।